अरे भाई 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 हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वैसे मेरा तो यूट्यूब चैनल नहीं है, मेरा दोस्त का है। उसका थोड़ा गले में दिक्कत है तो मैं आज शुरू कर दे रहा हूँ। वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आई होप आप सभी सेलिब्रेट कर रहे होंगे। तो आज सुबह का बज रहा है 7 और हम लोग निकल चुके हैं पालसीट के लिए। हम लोग रहते हैं दुर्गापुर में, दुर्गापुर से जा रहे हैं पालसीट। बियर बाइकर सेमी आ रहे हैं और उनका फेलो यूट्यूबर्स भी, फेलो दोस्त भी आ रहा है। जो लोग यूट्यूबर हैं वो लोग के पास सुपर बाइक है। तो आज क्योंकि इंडिपेंडेंस डे है तो हम भी बाइक लेके जा रहे हैं सेलिब्रेट करने उन लोग के साथ। देखते हैं सुपर बाइक देखने के लिए मिलेगा और एंजॉय करेंगे। आप लोग भी एंजॉय करो। ऐसा लगता है ये जो खूबसूरत टर्न दिख रहा है ना आप लोगों को, ये सिर्फ सुपर बाइक में मज़ा आएगा। लेकिन थोड़ा एम्बुलेंसेज भी है इधर, देख रहे हो आप, ऊपर नीचे देखो, बाइक ऊपर नीचे भी हो रहा है। थोड़ा सुपर बाइक होगा ना वैसे, है स्पीड में टर्नल में क्या ही मजा आएगा भाई। अभी हम लोग को जल्दी पहुंचना है, थोड़ा लेट हो गए हम। निकलना था 6 बजे लेकिन निकलते निकलते हो गए 7 बजे, जो एक हर एक यूट्यूबर का कहानी है। ओ नाइस टर्न मैन, हाँ 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 हाँ। बहुत दिनों बाद सूरज के रोशनी के साथ, क्योंकि बारिश हो रहा था बहुत ज़्यादा, निकल गए हैं सुबह सुबह राइड करने में। क्या ही मज़ा आ रहा है भाई 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 भाई। रास्ते और अच्छे हो जाएंगे ना तो भाई, आज का दिन मतलब छोटा से हम लोग देखते आ रहे हैं इंडिपेंडेंस डे में इतना सुपर बाइक निकलता है हम लोग इधर से, लेकिन कभी तसल्ली से देखने के लिए मौका नहीं मिलता है। ऐसे निकल जाता है मतलब वूं करके घर से, सुनते हैं अरे मन करता है भाई भाई एक भी हम भी लेके निकले। लेकिन आज शायद होपफुली बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करने के लिए मिलेगा। क्या व्यू है यार, क्या व्यू है। यहाँ से कोलकाता 157 किलोमीटर और 47 किलोमीटर है वर्धमान। वर्धमान पार होके पालसीट से कहीं जाना है, मेरे को रास्ता उतना पता नहीं है, मैप देख लेंगे। उसने वाले हैं वर्धमान, आ गए हैं वर्धमान। 80 किलोमीटर का सफर खत्म होता है इधर सीधा। गर्मी बढ़ रही है यार, लेकिन आते आते बारिश का भी शायद चांस है, इसलिए रेनकोट भी ले लिए। रोड का हालत बहुत खराब है यार। भाई बंदू कर आगे, भाई बंदू आ नहीं रहे यार। हाँ पहुँच गया शक्तिगढ़, यहाँ का लैंका बहुत फेमस है भाई। इतना जोर बाइक चलाया कि फ्लैग ही फट गया, देखा भाई कहाँ फटा। ये ले नया ले, यहाँ से फट गया। हाँ नया ले लेंगे। फिर भाई कैसा लगा मेरा राइडिंग? पूरा तूफान आग लगा दिया भाई, मेरा पूरा मुंह पे फेस पे पूरा बाली आ रहा था। जब ब्रेक वगैरह वो बटिक कर रहा था ना तब भी दिक्कत आ रही। हाँ रोड तो बहुत ही खराब था, एकदम कहते इच्छा ना तू जो खाबी तो खा नहीं खबर खबर व्यवस्था था भाई। हैं তো এইখানে খাবো, আমি এখানে কিছু খাবো না, এখানে শুধু চা খাই। মিঠা থাকে, চা কেসে
तो बढ़िया है। जोर से बोलो भाई, सुनाई नहीं देगा। अरे बढ़िया है, हम लोग को जैकेट लेना पड़ेगा बाइक का। क्या लेना पड़ेगा? जैकेट लेना पड़ेगा बाइक का। जैकेट? हाँ, राइडिंग गियर ना। राइडिंग गियर लेना पड़ेगा, इतना दूर आ रहा है भाई। लेकिन अभी पैसा वैसा नहीं है, थोड़ा पैसा हो जाएगा तो। बात तो है, राइडिंग जैकेट, ग्लव्स, ग्लव्स सब तो चाहिए। भैया लोग भी है, पूरा किट भी पहन के रेडी है। ये तो स्पेशल भैया के पास तो जैकेट है, प्रॉपर जैकेट भी। हो गया नाश्ता पानी होके, हम लोग ब्रेक ले लिए बहुत समय का, 10-15 मिनट का ब्रेक हो गया। अरे यार चिपक जाए यार, ये गोप्रो का एक दिक्कत है, कभी कभी ऑटोमेटिक ना ये टाइम लैप्स मोड पे शूट कर रहा है, नहीं पता ये क्यों दिक्कत आ रहा है इसको। ऐसे अचानक टाइम लैप्स मोड पे चला जा रहा है, रिकॉर्ड कर रहा हूँ। 2-3 क्लिप ऐसा नॉर्मली आया है, बाकी एक ही क्लिप ऐसा है कि पूरा 4 मिनट का बहुत कुछ रिकॉर्ड किया था, वो पूरा एकदम टाइमलेस पे आ गया, तो एकदम साउंड भी नहीं आया, कुछ नहीं आया यार। गोप्रो का दिक्कत है, कभी ख़त्म नहीं होंगे यार। आ गए शायद, ये वाला है, ये पालसी टोल गेट है शायद। अरे रे 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 रे, BMW Z4। अरे भाई 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 भाई, किससे मिले आप, किससे मिले बताइए? हीरोक भाई से। हीरोक भाई से मिले? हीरोक भाई कौन है? हीरोक भाई एक बड़ा यूट्यूबर है जो अच्छा फॉलो करके रखा है हीरोक भाई का। हाँ। मतलब यूट्यूब चैलेंज का। आपका आइडियल भी है? मेरा आइडियल भी है। हाँ। तो बहुत अच्छा लगा सामने से। हाँ। फेस टू फेस मिला। कैसा आदमी हो? कैसा आदमी? बहुत अच्छा। मिलके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा ना? हाँ। अच्छा, डाउन टू अर्थ है पूरा, एकदम डाउन टू अर्थ है। फोटो खींचने के लिए आप पूछे तो मना नहीं किया, बात किया, पूरा अच्छे से बात किया, ट्रीट किया। हाँ। भाई फोटो खींच लो। हाँ। और बहुत कुछ बोला हीरोक भाई को। हाँ। हीरोक भाई हम लोग को दुर्गापुर आया था तो मिल नहीं पाया कुछ काम के वजह से मेरा, तो हीरोक भाई को बोला, हीरोक भाई बोले कोई नहीं, तुम लोग कितना दूर से आयो तो भाई आराम से फोटो खींचो, कोई हड़बड़ी नहीं है। फिर वो थोड़ा शौक भी हो गया कि अरे दुर्गापुर से आ गया क्या, वो थोड़ा शौक भी हो गया था कि अरे भाई दुर्गापुर से आया है, कम से कम 100 कितना किलोमीटर दूर होगा? 120 किलोमीटर। 120 किलोमीटर दूर से आए हैं हम लोग, थोड़ा तो शौक हो गया अरे भाई। तो हम लोग से फोटो भी खिंचाया, उसका वीडियो रिकॉर्डिंग तो आप लोग देख ही रहे हैं, तो वो सब देख के सब कुछ हो गया। बहुत रेव सुने उधर, इतना सारा सुपर बाइक आया था, कम से कम 5-6 ZX10R और BMW भी आया था, 2-3 था, 2-3 था, तो सब रेव कर रहा था। और जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस होता ना पॉप्स एंड क्रैक सुनने के बाद, वो कैमरा भाई जस्टिस नहीं करता। हाँ, यूट्यूब से अलग है, यूट्यूब में जो हम लोग सुनते हैं, हम लोग मोबाइल में सुनते हैं, वो ऐसा नहीं है। वहाँ पे पूरा चल रहा है, एयरप्लेन चल रहा है। हाँ, पूरा एकदम दिल पे लगता है वो, पॉप्स एंड क्रैक्स, दब दब दब,
भाई एकदम जैसे जगह ही नहीं था भाई रखने के लिए, सब अपना बाइक लेके पूरा रेव किया जा रहा है, रेव किया जा रहा है। उधर तो व्लॉग करने का मतलब ही नहीं बनता क्योंकि इतना शोर है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा था एकदम। बहुत मजा आया भाई, पहला बार मेरा दिल के धड़कन भर रहा है इसलिए मैं आज व्लॉग नहीं किया। मेरा दोस्त को बोला भाई व्लॉग कर ले आज, मेरे से नहीं होगा। जो मैं एक्चुअली वो बहुत एक्साइटेड था इसलिए पूछा, बोला कि मैं अपना आइडियल से मिलूंगा तो बहुत मैं एक्साइटेड हूँ, थोड़ा नर्वस भी हूँ तो ब्लॉग नहीं कर पा रहा, तो तू स्टार्ट कर दे, इसलिए मैंने स्टार्ट किया। और आज यहीं पर ब्लॉग खत्म करते हैं हम लोग, ये होटल पे होटल फूड पॉइंट पे आके रुके हैं और चाउमीन वाउमीन खाए, थोड़ा सा पेप्सी वेप्सी पिए, अभी निकल जाएंगे हम लोग। और 50 किलोमीटर है, 50 किलोमीटर जाके हम लोग खत्म करेंगे। थोड़ा सा कमर दुख गया भाई, पूरा चलाया मैं, लेकिन जलाया लेके आया मेरा भाई ने, ठीक है। फिरोज भाई का एटीट्यूड ना, एटीट्यूड बहुत डाउन टू अर्थ पर्सन है, मलदा का है। हाँ, हाँ। तो बात भी किया, मतलब अच्छे से ट्रीट किया हम लोगों को। जैसे हम अभी बोला हीरो भैया से, हीरो भैया मैं जो यूट्यूबर, बड़ा यूट्यूबर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो बोला मेहनत करो भाई, आराम से उठ जाओ, एक दिन में बड़ा नहीं बनोगे। सजेशन भी दिया, बढ़ जाओ, सजेशन भी दिया कि कौन सा माइक यूज करना है, क्योंकि हम लोग का शायद गोप्रो का साउंड उतना अच्छा नहीं आ रहा है। हाँ। तो हम लोग भी सजेशन भी मांगे, तो सजेशन भी दिए, बहुत डाउन टू अर्थ है, अच्छे से बात कर रहे थे, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो मजा आया, बहुत अच्छा लगा। सी यू सून इन द नेक्स्ट व्लॉग, टाटा बाय बाय, टेक केयर।